नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पंकज 90s एजुकेशन में। आज हम लेके आए कोर्स जो है वह ADFA। इस कोर्स को आप बहुत कम लोग शायद सुने होंगे या कुछ लोग अभी पहली बार इस कोर्स का नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है लेकिन ज़्यादातर सेंटर्स इसको कराते नहीं हैं और इनको वही बच्चे करते हैं जो पहले से कुछ न कुछ कंप्यूटर में नॉलेज रखे रहते हैं। तो इस कोर्स के बारे में हम पार्टिकुलर बात करने वाले हैं आपसे, और आप नहीं जानते इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ADFA होता क्या है? शायद आप लोग DFA सुने होंगे लेकिन ADFA नहीं, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ADFA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यानी फुल नेम। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसका फुल नेम। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशंस होती है वह 1 ईयर की होती है, यानी ये कोर्स को जो आपको सीखने में टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 1 साल पूरा आपको देना है। यानी जितना आपको ADCA में समय देना पड़ता था उतना आपको ADFA में समय देना पड़ेगा। कोर्स जो है सेम ड्यूरेशंस है, इसमें कुछ चेंजिंग होंगे आपके सिलेबस में, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, ठीक है, कि इस कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, इसकी फ़ीस क्या होती है। तो पहला हम लोग स्टेप रखते हैं इसकी, जो कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए ADFA आप यानी फुल नेम से जान गए होंगे कि यह फाइनेंशियल से संबंधित है, यानी अकाउंटिंग के कार्य होते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो 10th पास आप रहने चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन हैं या इंटर हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं यानी कॉमर्स से पढ़े हैं तो बहुत ही बेस्ट आपके लिए, तब तो एकदम है। यानी ये अगर आप मान के चले तो पार्टिकुलर या जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के बच्चों के लिए ज़्यादातर अच्छा ही होता है, बाकी आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर की अगर नॉलेज रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन एकदम अनहोन है, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, पहले से कोई कोर्सेस नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर समस्या थोड़ी सी हो सकती है, ठीक है। बाकी पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर होता है, सेंटर्स के ऊपर होता है कि वो कैसे आपको हैंडल करेंगे, बाकी कोई इशू नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। देखिए एक्सेल का आप नाम सुने होंगे, तो इसमें एक्सेल पढ़ाया जाता है लेकिन एडवांस एक्सेल पढ़ाया जाता है। जैसे आप एक्सेल नॉर्मल ट्रिपल सी हो या DCA, उसमें नॉर्मल एक्सेल को पढ़ते हैं, लेकिन ADCA में एडवांस, लेकिन यहाँ पे ADFA में उससे भी ज़्यादा एडवांस पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर फोकस किया जाता है MS Excel 2007 पे, ठीक है। उसके बाद 2010 है, 2016 है, तो सारे फीच आ गए वर्जन, लेकिन सारे वर्जन पढ़ाए जाएंगे, कोई वर्जन ADFA में आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अधिक फोकस कहाँ पे किया जाएगा, 2007 पे। क्यों? क्योंकि लगभग 99% आप न मानो तो वैसे मान के चलो कि 90% लगभग कंपनियों में जो आज भी एक्सेल यूज हो रहा है तो 2007 ही यूज हो रहा है, यानी 2007 को ही लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी में भी फीचर्स हैं लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल पड़ता है इसलिए इसको, तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाता है कि आपको सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल के साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, यानी लगभग एक एक टॉपिक पे आपको 2 से 3 दिन का समय पूरा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है एकदम विधिवत, यानी जिस तरह से कंपनी में वर्क होता है उस तरह से आपको ट्रेनिंग तक यहाँ पर दी जाती है, ठीक। उसके बाद इसमें टैली, टैली या बेसिक टैली पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो टैली पढ़ाई जाती है एडवांस तरीके से पढ़ाई जाती है। GST को पढ़ाया जाएगा बट थोड़ा सा हाई लेवल के GST पढ़ाया जाएगा आपको, पेरोल बनाना, बिलिंग काटना यानी सैलरी स्लिप बनाना, सब कुछ टैली में एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें एडवांस तरीके से आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। जो वहाँ से आपके यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी DFA में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं टैली में उससे ज़्यादा एडवांस आपको ADFA में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी अब इसमें भी टैली या फिर 9 होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये दो चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कवर करना। उसके बाद आपको इंटरनेट की जानकारी दी जाती है पूरी तरह से, किसी फाइल्स को कैसे भेजना होता है, PDF कन्वर्ट करना होता है, किसी बिल्स को कैसे, यानी कंप्यूटर जो बेसिक जानकारी है वह आपको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं दी जाएगी। यानी आप मान ही चलिए कि 1 साल में आपको इस कोर्स में पूरे एक कंपनी के जो ऑपरेटर की तरह आपको वर्क करने का पूरा पूरा प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी आपको पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या आने वाले समय में किसी जगह आप जॉब करने जाए तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ तक बाकी जो आप ADCM पढ़ते थे, जैसे MS Word पढ़ते थे, पावर पॉइंट पढ़ते थे, वो चीज़ को भी कवर किया जाएगा, मतलब उतना नहीं कवर किया जाएगा जितना वहाँ पर किया जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इस कोर्स में अगर फोर्स किया जाएगा आपको तो ज़्यादातर दो एप्लीकेशन एक्सेल और टैली, इन दोनों पे ज़्यादातर आपको
फोर्स किया जाएगा और अच्छे से डीपली नॉलेज देने का। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और अगर मैं इसमें लेके बताने चलूँ अन्य लोगों की तरह, जैसे आपको बहुत सारे इस क्वेश्चन हम लोग बताए होंगे कि बहुत चीज़ें ऐसे ऐसे, तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा कि सारे सिलेबस मिला घुमा के फिरा के सब कुछ एक ही हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और जो डिफरेंट होता है मैं वही आपको वीडियो बताने का कोशिश करता हूँ। और शायद एक चीज़ आप लोग को बताएं अभी तक नहीं, और आपको बहुत इंतज़ार भी होगा कि अभी तक बताया नहीं, लगता बताएंगे नहीं, फीस क्या होती है। देखिए तरह तरह के सेंटर्स होते हैं, आप अगर सिटी में बिलोंग करते हैं विलेज में तो तरह तरह की फीसें होती है, जगह अलग अलग नियर अबाउट आप मान चलिए इसकी जो फीस होती है एक साल की 15,000 मानी जाती है, और 15,000 लगभग लगती है। अगर आप मेरे यहाँ कोर्स करना चाहते हैं मेरे सेंटर्स पे, तो आपको यहाँ पे मेरे सेंटर्स की जो फीस है वो 8,500 है ओनली, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जगह आपको 15,000 मिल सकती है या 10,000 से ऊपर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ 8,500 फीसेस है। आप लोकल हैं इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं डोबी क्षेत्र से, तो मेरे यहाँ भी आके इस कोर्स को आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर्स अपना चलाता हूँ, लगभग सबको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो लोग आज जान भी गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज़ हाँ, जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, और इस तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मुझसे मिले, और आप लोग हमेशा मेरे साथ चाहे जहाँ भी रहें जुड़े रहें, ठीक है, परिवार की तरह। फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।